लगातार बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकारों का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। जिला परवा दून कांग्रेस कमेटी के साथ नगर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार पर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने में असफल रही है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल ने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकारें पूरी तरह से फेल हैं, जबकि प्रचंड बहुमत इसलिए मिला था कि भाजपा सरकार आम जनता को महंगाई से निजात देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और डीजल पेट्रोल के साथ ही खाने पीने के सामानों की महंगाई आसमान छू रही है। जब से केंद्र में दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, लोगों ने अपेक्षा से ज्यादा उनको वोट दिया, परंतु जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है दिन प्रतिदिन में, ब्याज आज आसमान छू रहा है, बेरोजगारी जिसने 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपकी GDP 4.5% हो गई, तो आप बताइए इन्होंने इन सब चीज़ों को हटाकर और NRC और CAB में उन्होंने लोगों को भटका दिया है। केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और मुख्य जो उद्देश्य पुतला फूंकने का वो है, जो इस तरह से महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, आज रोजमर्रा की चीज़ें जो एक आम आदमी के लिए एक बहुत समस्या बनती जा रही है। आप गैस सिलेंडर की बात कीजिए, गैस सिलेंडर में इकट्ठे इन्होंने अभी 19 रुपये बढ़ा दिए हैं और प्याज की स्थिति आप देख लीजिए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और ये सरकार जानबूझ के ऐसे काम करती है कि महंगाई से मुद्दा जो मेन मुद्दा है इस देश का उससे भटकाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रही है। हम उसके विरोध में आज पुतला दहन किया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।